जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से वहां पर अभी भी इंटरनेट सेवा बहाल नहीं की गई है। साथ ही कश्मीर में लंबे समय से धारा 144 भी लागू है, जो कि अभी तक हटाया नहीं गया है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन और किसी अन्य तरह की पाबंदियों के मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि बिना किसी वजह के पूरी तरह से इंटरनेट पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। इंटरनेट लोगों के अभिव्यक्ति का अधिकार है, इस पर निश्चित काल के लिए बैन नहीं लगाया जा सकता। इंटरनेट बैन करने के लिए कोई ठोस वजह नहीं दिखती, सरकार को इस पर जल्द एक्शन लेना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने धारा 144 पर कहा कि देश में कहीं भी धारा 144 की पाबंदी से संबंधित सभी फैसलों को सार्वजनिक किए जाएं। आपको बता दें कि कश्मीर के हालात को लेकर कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से उसका विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया था, जिसके बाद से सरकार ने कश्मीर में इंटरनेट बैन, कर्फ्यू और धारा 144 लागू कर दिया था। कुछ दिनों बाद कर्फ्यू हटा लिया गया, लेकिन इंटरनेट बैन और धारा 144 अभी भी लागू है। टीम खबर अपडेट।